नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मेरे घर में पहला केस आ गया, पैनिक होता है, बाकियों का टेस्ट कराएं नहीं कराएं, क्या करें। द आइडियल इज कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, चाहे एंटीजन हो चाहे RT-PCR हो, तो जितने भी घर में लोग हैं उनका पूल्ड RT-PCR टेस्ट करा दो। अगर उसमें से अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सब लोगों का RT-PCR करवाओ। आप ढूंढो लास्ट 48 आवर्स में कितने लोगों से मिले थे। अगर मान लीजिए लास्ट 48 आवर्स में आप 10 लोगों से मिले थे, सबका पूल टेस्ट करा दो। अगर सबका पूल टेस्ट नेगेटिव है तो चांसेस नहीं है कि उनमें से किसी को इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर वो पूल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबको बोलो अपने अपने टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा, आप खुद कर सकते हैं। यानी कि अगर आज मैं पॉजिटिव आया तो मैंने मेरी पूरी फैमिली का RT-PCR पूल्ड करा दिया, तीनों नेगेटिव हैं, होल्ड ऑन, क्योंकि वो एसिम्प्टोमैटिक हैं। सिम्टोमैटिक होते तो अलग अलग कराता। फिर लास्ट 48 आवर्स में मैं 10 लोगों से मिला, सबका मैंने पूल्ड टेस्ट करा दिया, अगर वो एसिम्प्टोमैटिक हैं तो। अगर वो सिम्टोमैटिक हैं तो सबका होगा टेस्ट। तो एसिम्प्टोमैटिक लोगों का मैं पूल टेस्ट कराऊंगा। ए, अगर मैं पॉजिटिव निकला तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनको इन्फॉर्म करूँ और उनका पूल टेस्ट करवा दूँ। अगर उनमें से पूल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उस 10 में से कोई ना कोई पॉजिटिव है, फिर सबको अपना अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि 2 पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक का कराया पॉजिटिव आया। पूल टेस्ट का मतलब है 9 भी पॉजिटिव हो सकते हैं और एक भी पॉजिटिव हो सकता है, 10 के 10 भी पॉजिटिव हो सकते हैं। याद रखिए, इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये नया नॉर्म है। इससे आप आगे लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। संगीता पाठक जी नमस्कार, एंड विवेक मुद्गल जी, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस स्मॉल लाइव वीडियो। नमस्कार। Thank you.